अब देखो दोस्त, गाना तो सब गाते हैं, लेकिन जो गा के छा जाता है उसको हर साल हम टॉप 5 में रखते हैं। और जब टॉप 5 में रख भी लिया है तो आइए आज इस वीडियो में देख लेते हैं कि इस साल देवी गीत में टॉप 5 में कौन कौन है। जय श्री राम। बात करते हैं नंबर 5 के बारे में, और यहाँ पे जो गाने का नाम आता है वो है माई अंगना आईली। अब देखो ऐसा है ना कि ये गाना खेसारी लाल यादव का है, और आम तौर पे खेसारी लाल यादव बहुत ऊपर रहते हैं, लेकिन इस साल खेसारी लाल यादव के साथ खूब सारा प्रॉब्लम है और वो बहुत अच्छे से गाना नहीं गा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जितना गाना गाए हैं उसमें सबसे परफेक्ट यही है, और इसलिए ये 5 नंबर पे आता है। लेकिन थोड़ा दिल खुश रहता, थोड़ा मन खुश रहता तो इसके ऊपर ही जाने की चांसेस बहुत ज्यादा थी। बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, और इस गाने को गाया है अरविंद अकेला कल्लू ने। और सच पूछो दोस्तों, ऐसा ऐसा गाना सुनने के बाद ना एकदम दिल को टच होता है और सीधे रूह को एकदम खुश कर देता है। और एक बारी ये लाइन सुनो आप, मतलब वाओ। आई माटियो के हो खेले तो माई हो खेले। बात करते हैं नंबर 3 के बारे में, और भैया जी तीसरे नंबर पे ही पवन सिंह आ जाते हैं। अब देखो दोस्त, ऐसा है कि सप्तमी के दिन से अगर किसी को देवी माँ के भक्ति में नाचने का मन हो तो पवन सिंह का ये वाला गाना तो जरूर सुनना चाहिए। मतलब हमको नहीं लगता है नाचने के लिए इस साल 2023 में इससे ज्यादा परफेक्ट गाना कोई है। चलिए 3 तो आपको हम सिंपल लोगों को दिखा दिए, लेकिन अब जो यहाँ पे टिक सकते हैं वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में और पूरे बिहार में 2 ही लोग हैं, और वो लोग कौन टिक सकते हैं बताते हैं। और बात करते हैं दूसरे नंबर के बारे में, और यहाँ आते हैं रितेश पांडे। लेट्स प्ले द सॉन्ग। दोस्त एक बात पता है, जब से ये गाना आया है ना हम गाने को सुने हैं, और सच पूछिए तो अभी तक सुन ही रहे हैं, और ये गाना इतना ज्यादा परफेक्ट है ना कि आपको क्या बताएं। आवाज भी इतना मीठा कि भजन में लगता है कि हाँ भोजपुरी के ये लोग जो हैं वो देवी गीत को एकदम सही राह पे लेके जा रहे हैं, और इसलिए ये हर साल टॉप 2 टॉप 1 में रहते ही हैं, और इस साल भी देखिए टॉप 2 में दूसरे नंबर पे हैं। बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, और यहाँ पे भैया एक ही इंसान टिक सकता है, और उसके लिए एक छोटा सा डायलॉग। अपने पवन भैया के सामने कोई टिक सकता है क्या? लाके दे हाँ यही खाईया। दोस्त ये भजन लाए हैं, नया कंपनी से भजन लाए हैं, और ये भजन इतना ज्यादा अच्छा है ना कि हमको नहीं लगता है दोबारा हम इसके बारे में कुछ और ज्यादा बोल पाएंगे। इसलिए इसके पहले इस गाने पे ही एक रिव्यू बनाया है, यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा है, जाके जरूर देखिएगा। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो एक कमेंट में जय माता दी तो जरूर बनता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।